नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। शनिदेव हर किसी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। अनुचित या अन्यायपूर्ण आचरण वालों को शनि के दंड का भागी भी होना पड़ता है। 11 फरवरी को शनि की स्थिति में बदलाव होने वाला है। कुंभ राशि में होते हुए शनि अस्त अवस्था में आ जाएंगे। शनि के अस्त होने के साथ ही कुछ राशियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आइए जानते हैं शनि के अस्त होने से किन राशियों के जीवन में समस्याएं बढ़ने वाली हैं। सबसे पहले है कर्क राशि। शनि के अस्त अवस्था के कारण सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव कर्क राशि के लोगों पर पड़ने वाला है। कर्क राशि के लोग इस समय शनि की ढैया से परेशान हैं। ऐसे में शनि की अस्त अवस्था आपको और कष्ट पहुंचाने वाली है। शनि के अस्त होने से आपके जीवन में परेशानियों का अंबार आ सकता है। इस राशि के लोगों को शनि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरीकों से बहुत परेशान करने वाले हैं। शनि के अस्त होने के प्रभाव से आपके हर काम में बाधा आ सकती है। व्यापार में भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद मकर राशि। शनिदेव अस्त होने से मकर राशि के जातकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इन राशि वालों के ऊपर अभी शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनि के अस्त होने से आपको भारी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इन राशि के लोगों को शनि करियर के क्षेत्र में बहुत परेशान करेंगे। आपके तरक्की में बाधा आएगी। प्रमोशन रुक सकता है। ऑफिस में आपका प्रदर्शन भी खराब हो सकता है और इसकी वजह से नौकरी जाने की भी स्थिति आ सकती है। इस दौरान मकर राशि के जातकों की सेहत भी बिगड़ सकती है। इसके बाद है कुंभ राशि। इन राशि वालों पर अभी शनि की 7.5 चल रही है। शनि के अस्त होने के दौरान कुंभ राशि के जातकों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। आपको धन का कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। रिश्तों में दूरियां आ सकती है। जीवन साथी के साथ विवाद इतना बढ़ सकता है कि अलगाव की भी नौबत आ सकती है। शनि के दुष्प्रभाव की वजह से कुंभ राशि के लोग किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। इस राशि के लोगों को अपने सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत होगी। नौकरी और व्यापार में भी आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके काम में बहुत सारी अड़चनें भी आएंगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।